हीरोज जैसा कुछ नहीं होता, सिर्फ लूजर्स होते हैं। यहां तक पहुंचना मुश्किल था। शक्ति से दुनिया झुकती है, इसे हासिल कर लो। तुम्हें मारा नहीं, बचाया गया है। आखिर क्रिश को किसने किया प्रोटेक्ट? डॉक्टरों ने क्यों किया मासूमों पर वार? स्पेशीज और एक्सपेरिमेंट्स क्या है पूरी कहानी? ये सारा डिस्कशन शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप भी सिनेमा की दुनिया से जुड़ना चाहते हैं और काम करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए जॉब लिंक पर क्लिक करें और इस अपॉर्चुनिटी का भरपूर फायदा उठाइए। क्रिश ने नताशा से सारी बातें कर ली है कि कैसे इस बार विलन साइंटिस्ट अपने पिता रोहन मेहरा को बचाना है उसे। क्रिश के लिए अब दुनिया से अपनी सच्चाई छुपाना और भी मुश्किल हो गया है। डॉक्टर उसे टारगेट करने के लिए बच्चों पर हमला करने लगे हैं। क्रिश उन्हें बचाने के लिए सबके सामने आ सकता है। क्रिश की दादी ने जैसे अब तक उसकी सच्चाई सबसे छुपा कर रखी थी, अब ये काम करना उनके लिए भी मुश्किल हो रखा है। क्रिश ने इस बार प्लानिंग ये की है कि वो एंटीटोड ले जाकर उन सारे स्पीशीज को देगा जिन्हें डॉक्टर ने अपनी कैद में रखा है। डॉक्टर के इरादे खराब है क्योंकि वो ये चाहता है कि वो दुनिया पर हमला कर सब पर राज करे, जबकि क्रिश ऐसा नहीं होने दे सकता। उसे दुनिया को बचाना होगा। क्रिश के पिता को एलियन यानी जादू ने बहुत सारी सुपर पावर्स दी थी जिससे वो बहुत स्ट्रांग हो गए थे, और यही सुपर पावर्स क्रिश के डीएनए में भी थी। लेकिन जैसे पावर्स के साथ बड़ी जिम्मेदारियां भी आती है, वैसे ही अब क्रिश को डॉक्टर की लैब में कैद हर स्पीशीज को ना सिर्फ छुड़वाना है बल्कि उन्हें बचाना भी है। क्रिश बहुत ही गुपचुप तरीके से लैब में से रिपोर्ट्स को लेकर भाग जाता है, जिसे उसे ये पता चलता है कि डॉक्टर ने बहुत सारे मासूम लोगों पर एक्सपेरिमेंट करके उनकी जान को खतरे में डाला है, और उसके साथ में लैब में काम करने वाले जो और डॉक्टर्स है उसे भी उसने धमकी दी है, अगर किसी ने कुछ रोकने की कोशिश की तो वो सबको जान से मार देगा या फिर अपने एक्सपेरिमेंट्स में उन्हें यूज कर लेगा। क्रिश को इस बार बहुत ही संभल कर अपना अगला कदम बढ़ाना होगा। क्रिश को एक दिन अपनी दादी के कमरे में पापा का कुछ सामान मिला जिसमें उस डॉक्टर के बारे में बहुत सारी ऐसी बातें थी जिससे डॉक्टर को उसी के गेम में हराया जा सकता है। डॉक्टर ने क्रिश के पापा को पिछले 20 सालों से बेहोश करके अपने पास जिंदा रखा था ताकि उनसे वो उस फॉर्मूला को बनवा सके, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। क्रिश अब इस दुविधा में है कि इन सब बातों को किस तरह से सबके सामने लाया जाए कि डॉक्टर का सच भी सबके सामने आ जाए और उसके पिता को डॉक्टर से खतरा भी ना हो। क्रिश को अभी कुछ दिन और अपने राज को अपने मास्क के सहारे सबसे छिपाना होगा। क्रिश का मास्क ही अभी उसका सबसे बड़ा प्रोटेक्टर है। क्रिश को डॉक्टर पर हमला करने से पहले ये चेक करना होगा कि उसने कहां पर रोहन यानी उसके पिता को छुपा कर रखा है। ये सारी बातें और ये कहानी में आगे क्या हुआ ये सब जानने के लिए आपको हमारे साथ जुड़े रहना होगा। उम्मीद है कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में बताइए कि किसके साथ आप क्रिश को रोमांस करते देखना चाहते हैं।